हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। तो दोस्तों कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैमसंग कंपनी हर साल जाना जाता है कि कितना फोन उसने बेचा, बट सैमसंग की कंपनी इस साल जानी गई कि उसने कितना फोन वापस लिया। तो जैसे कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं सबको पता है कि इस चैनल पे फायर रीजन वाला वीडियो पे बहुत ही व्यूज आया, फिर बहुत ही हिट हुआ है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ फायर रीजन व्हाई सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 बर्स्टेड। जी हाँ, अगर पहले रीजन की बात करूँ तो पहला रीजन होगा उसका लिथियम बैटरी। अब बहुत लोग बोलेंगे यार लिथियम बैटरी तो सारे के सारे फोन में आते हैं। जी हाँ, लिथियम बैटरी सारे के सारे फोन में आते हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो लिथियम बैटरी रहता है क्या, लिथियम बैटरी के अंदर लिक्विड रहता है, वो हाईली फ्लेमेबल रहता है। फ्लेमेबल मतलब कि फायर को इजीली कैच कर लेता है। अब उससे होता क्या है, जैसे कि हमको पता है हर एक बैटरी में पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है, जिसे एक थिन शीट सेपरेट करता है या फिर थिन लेयर को सेपरेट उसको सेपरेट करता है। अब इसमें हुआ क्या है, वो जो थिन शीट था, जो थिन लेयर था ना, उसको इतना थिन कर दिया था दोस्तों इन लोग ने कि मतलब बहुत ही पतला हो गया था और एक सर्टन अमाउंट पे वो पंक्चर हो गया था, फिर वो फट गया था। इसकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जिसे और प्रोटॉन्स कहा जाता है, पॉजिटिव को प्रोटॉन्स कहा जाता है, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों मिल गए। जो मिलने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा। अब लिक्विड कैसा है, लिक्विड जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो हुआ उसके कॉन्टैक्ट में आया तो हीट प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही दोनों का हीट प्रोड्यूस हुआ उसी से फोन ब्लास्ट हो गया या फिर फोन बर्स्ट हो गया दोस्तों। तो ये तो था पहला जो कि मेन रीजन हो सकता है। दूसरे रीजन की बात करूँ तो जितना बैटरी को सॉफ्ट हार्ड रहना चाहिए था उतना ना करते हुए बैटरी को सॉफ्ट रखा। अब बैटरी कैसा है, थोड़ा हार्ड रहता है यार, उसका जितना स्ट्रेस रहना चाहिए, स्ट्रेन रहना चाहिए उसमें, उतना ना होते हुए उस बैटरी को उन्होंने सॉफ्ट कर दिया। एक तो एक कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एक छोटा रीजन इसको बोल सकते हैं, बट ये भी एक रीजन भी आएगा। दोस्तों तीसरा रीजन है वो मैन्युफैक्चरिंग एरर है। अब मैन्युफैक्चरिंग एरर में जैसे कि हर एक फोन रहता है, जब वो बन जाता है तो वो कुछ टेस्ट उसको पास करने पड़ते हैं, कुछ उसे एक लिमिट पास करना, एक चीज पास करना पड़ता है ताकि वो फोन कंपेटेबल है कि नहीं लोगों के हाथ में जाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग एरर में क्या हुआ कि उन लोगों ने बैटरी तो लगा दिया अच्छे से, बैटरी के बारे में बात करो, बैटरी तो उन्होंने लगा दिया। अब बैटरी में हुआ क्या कि जो साउथ पोल जो नॉर्थ पोल जैसे कि हम बोलते हैं, लेकिन इसमें जो नेगेटिव जो और जो पॉजिटिव पोल्स है वो दोनों कांटेक्ट में आ गए थे दोस्तों। जैसे ही कांटेक्ट में आए भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव कांटेक्ट में आए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो फोन का जो टर्न था, टर्मिनोलॉजी था, वो उसके कांटेक्ट में आके फोन ब्लास्ट हो गया या फिर जो बर्स्ट हो गया था दोस्तों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि उनको अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग एरर या फिर उसको अच्छे से टेस्ट हर एक चीज पास करवाना चाहिए था दोस्तों। चौथे रीजन की बात करो तो चौथा रीजन रहेगा उसका प्रेशर दोस्तों। अब एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमारे टॉयलेट में टिश्यू पेपर रहते हैं, टिश्यू पेपर कैसे है? रोल टिश्यू पेपर कैसे अच्छे से एकदम टाइटली पैक्ड किए रहते हैं या फिर बोल सकते हैं टाइटली जॉइंट किए रहते हैं, जाके हमको खींचना पड़ता है, जितना चाहिए उतना ही हमें आता है हाथ में, लेंगे खींच देंगे, अगर समझो उसको लूज रखेंगे। अब वो जो रोल है टॉयलेट टिश्यू रोल का, उसको हम लूज तरीके से ऐसे ही लगा दिए, अब हम खींचेंगे तो बहुत सारा हमारे हाथ में आ जाएगा, वेस्ट ही है ना उसका मतलब। तो इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैमसंग का फोन ये जो नोट 7 है बहुत ही पतला फोन था या फिर बहुत ही स्लिम था, लेकिन उसमें जो बैटरी लगी थी वो 3500 mAh की बैटरी लगी थी दोस्तों। 3500 mAh वैसे ही इतनी रहनी चाहिए, आपने इतनी कर दिया। तो उससे हुआ क्या, जो प्रेशर अप्लाई हुआ है इसने, अब मैं समझो 90 किलो का हूँ, अब मैं आज ही के आज वेट रिड्यूस कर लेता हूँ 60 किलो, 70-80 में 30 किलो का वेट माइनस होगा मेरे अंदर, तो फैट तो चले जाएगा लेकिन जो स्किन है वो तो नीचे गिर जाएगा ना, स्किन तो जल्दी होगा नहीं। जिम करोगे तो जिम से क्या, स्किन अपने आप रिड्यूस होता है, बट अचानक मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया और वेट रिड्यूस कर लिया तो उससे तो स्किन भी हमारा गिर जाएगा। तो उसी से बैटरी 3500 mAh की थी, उसे जितना ना रहते हुए उसे आधा कर दिया यार उसको, उसके साथ छेड़खानी कर दिया। और कुदरत का दस्तूर है, जिसके साथ भी आप छेड़खानी करोगे वो तो अपना रंग दिखाएगा ही। सांप को कितना भी दूध पिला लो वो डसेगा ही, बिच्छू को कितना भी कर लो आप अपना दोस्त वो डंक मारेगा ही। 3500 mAh की बैटरी को आपने इतने से इतू सा कर दिया तो वो क्या होगा यार, वो कैसे झेल पाएगा उस सहन, वो हीटिंग प्रोसेस को नहीं झेल पाएगा। इसकी वजह से वो प्रेशर के कारण उतना प्रेशर नहीं ले पा रहा था और उसकी वजह से वो बर्स्ट हो रहा था। पांचवें रीजन की बात करूँ तो देखो पांचवा रीजन क्या है, हम सब देखते हैं हमारा स्मार्टफोन समझो 10 से लेकर 60% के बीच में फटाक से तेजी से चार्ज हो जाता है, जल्दी से चार्ज हो जाता है, और जो 60 से लेकर 100% के बीच में जो चार्जिंग होता है वो धीरे धीरे होता है ताकि बैटरी अच्छे से एडजस्ट रहे, बैटरी उसमें स्टोर किया हुई है। अब हमारे फोन में हमें पता है जो कि आजकल नए स्मार्टफोन आ रहे हैं, जैसे ही 100% चार्ज हो जाता है बैटरी ट्रिप हो जाता है या फिर बोल सकते हैं कि बैटरी वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बता देता है कि अब बैटरी 100% चार्ज हो गई, अब हमें कोई चार्जिंग लेने की कोई जरूरत नहीं। तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया था,
इन्होंने एक सॉफ्टवेयर नहीं रखा था, सेट में बोलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था उसका, तो 60 से 100% चार्जिंग होता था ना, तो जो 100% अब हो गया तो फोन को पता चल जाना चाहिए कि अब मेरा 100% हो गया, अब मुझे चार्ज नहीं लेना चाहिए। तो ये होता था क्या, नोट 7 100% के बाद भी सॉकेट में से चार्जिंग को सप्लाई करता था अपने में, ओवर सप्लाई करता था। अब ओवर सप्लाई में क्या हुआ, ओवर करते करते भाई कितना ओवर हो गए, ओवर होके डायरेक्ट ओवर ही हो गया, सीधा ओवर, वो मतलब फट गया दोस्तों। अब पुराने जमाने के भी स्मार्टफोन, और ये पहला इशू नहीं है कि चार्जिंग में के सॉकेट में लगा के ओवरनाइट आपने छोड़ दिया, तो ये सारे के सारे फोन में होता है, बट जो नए स्मार्टफोन आ रहा है थोड़ा सॉफ्टवेयर उसको अपडेट किया जाता है कि अगर 100% चार्ज हो जाता है स्मार्टफोन तो उसे ट्रिप किया जाता है या फिर वो चार्जिंग लेना बंद कर देता है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में उसका एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वो चार्जिंग 100% के बाद भी लेता था, बंद नहीं होता था, इसकी वजह से ओवरनाइट में भी बहुत सारे सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन फटे हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो था 5 रीजन वाई सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 बस्टेड, जितने भी रीजन है मैंने डीपली घुस के डीपली रिसर्च करके आप लोगों को बताया दोस्तों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, सैमसंग की कंपनी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यही रीजन हो सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बस्ट होने के। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे रोजाना वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।